गुजरात में कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में साफ कर दिया, और आपने इनको माफ कर दिया। आप साथ में आए हैं दिल्ली के इस बिल पे, दिल्ली की जनता के लिए आए हैं या किसी और कारण से आए हैं, ये दिल्ली की समझदार जनता समझती है। तो मैं भी एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि जमीर भी मर जाते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, 20 मिनट्स। माननीय सभापति महोदय, आज जब इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधेयक के ऊपर मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, तो पहले मैंने विपक्ष के विद्वान वक्ता महोदय का वक्तव्य सुना तो मुझे विचित्रता का अनुभव हुआ और संपूर्ण विपक्ष को देखकर विस्मय हो रहा है। विचित्रता इसलिए कि उन्होंने कहा कि आई हैव नॉट सीन एनी पैरेलल एनीवेयर। तो मैं भी कहना चाहता हूं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी देश की राष्ट्रीय राजधानी में उस देश की केंद्र सरकार के की शक्तियां, उससे अधिक शक्तियां किसी और की होनी चाहिए। मेरे विचार से दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। सो आई सपोर्ट व्हाट अभिषेक मनु सिंघवी जी हैज सेड, आई एम अनेबल टू फाइंड पैरेलल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दूसरा विषय जो मैंने कहा कि विस्मय का अनुभव क्यों हो रहा है, अभी देखिए उन्होंने दो बार सुपर सीएम प्रयोग किया कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए। मगर महोदय, इस देश ने बगैर संवैधानिक पद पर बैठे हुए सुपर पीएम 10 साल तक देखा है। और मैं ये कह रहा हूं कि अभी मैंने कितना सुंदर सामंजस्य देखा कि उन्होंने कहा कि समय कम हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी वालों ने कहा हम भी समय देने को तैयार हैं। सारे विपक्ष को देख के विस्मय होता है कि कांग्रेस पार्टी, जिसका कि तीन राज्यों में स्थिति यह रही कि गुजरात में वोट हाफ कर दिया, बिल्कुल बता रहे हैं, सुनिए तो बता रहे हैं। सॉरी, गुजरात मेंबर का वोट वन सेकेंड। डॉक्टर अभिषेक सिंघवी वॉज हर्ड इन रैप्ट अटेंशन। दिस इज द डेकोरम ऑफ द हाउस। नो, आई एम कमिंग टू दैट सर। डू नॉट गेट इन टू डिसेप्टिव मोड। डॉक्टर, ये लोग किस तरीके से आए हैं साथ में? अरे साहब, बहुत सारे शेर बोले थे, ऑडियंस के पार्ट नहीं थे, हम भी बता रहे हैं आपको। आई विल हैव टू नेम यू। देखिए इनकी, आई विल हैव टू नेम यू। ठीक, यू हैव गॉट इट। अरे साहब, क्या शिद्दत दिख रही है एक दूसरे को सपोर्ट करने में। देखिए इनकी स्थिति ये है, वी वांट डेकोरस डिबेट हियर। डॉक्टर सेड मेनी थिंग्स, maybe digestible, maybe indigestible. Dr. Sudhanshu Trivedi, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि गुजरात में कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में साफ कर दिया, और आपने इनको माफ कर दिया। और उसके माफी के बाद भी मुझे लगता है अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा था, तो मैं भी ये कहना चाहता हूं, आप साथ में आए हैं दिल्ली के इस बिल पे, दिल्ली की जनता के लिए आए हैं या किसी और कारण से आए हैं, ये दिल्ली की समझदार जनता समझती है। तो मैं भी एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि जमीर भी मर जाते हैं। अब यह एक संवैधानिक विषय है। संवैधानिक विषय है कि यह जिस प्रकार से संविधान में लागू होना चाहिए, परंतु उसके साथ राजनीतिक टिप्पणी की जा रही है, तो एक सैद्धांतिक विषय भी आता है। तो मैं संवैधानिक और सैद्धांतिक दोनों विषयों का जवाब दूंगा। आई विल रिप्लाई बोथ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट। देखिए, माननीय गृहमंत्री जी ने लोकसभा में बहुत स्पष्ट किया था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, यह एक विशेष श्रेणी का यूनियन टेरिटरी है, यानी विशेष श्रेणी का संघ शासित राज्य है। वैसे मुझे लगता है संघ शब्द आते ही बेचैनी ज्यादा हो सकती है दूसरी तरफ, और संघ शासित से बेचैनी और हो सकती है, इसलिए मैं यूनियन टेरिटरी वर्ड प्रयोग करूंगा। इट इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ यूनियन टेरिटरी। और वैसे भी आजकल अंग्रेजी के प्रति मोह बहुत ज्यादा है, क्योंकि अपने गठबंधनों का भी नाम अंग्रेजी में ही ज्यादा रखा जा रहा है। संविधान में जो भाग 8 में उल्लिखित, वैसे तो
जब मैंने टीवी चर्चा के दौरान कई बार विपक्ष के लोगों से INDIA का हिंदी फुल फॉर्म पूछा तो पहले दिन तो लोग गूगल देख के भी नहीं बता पाए। खैर, अब मैं कहना चाहता हूं कि संविधान के भाग 8 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, अरे सुनिए, देखिए, संविधान के भाग 8 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार अनुच्छेद 239 से 242 तक संविधान में इस विषय का पूर्ण वर्णन है। अनुच्छेद 239AA में इसका विशेष प्रावधान किया गया है। यदि उसके क्लॉज को 239AA(3B) को देखें तो संसद को दिल्ली संघ राज्य यूनियन टेरिटरी से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के जिस निर्णय का बार बार उल्लेख किया जाता है और हमारे विरोधी उसको अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं, उसमें भी बहुत साफ देख लें कि 105 पेज के उस निर्णय में कहीं पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के द्वारा दिल्ली के बारे में कानून बनाए जाने के विषय के ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की है। इसके बाद भी न्यायालय के आदेश में पैरा 161 और 162 को कई बार उल्लेख किया जाता है, परंतु यदि पूरे संदर्भ में देखें तो पैरा 86, 95 और पैरा 164F को पढ़ें तो वहां पर संसद के द्वारा दिल्ली के संदर्भ में किसी भी विषय के ऊपर कानून बनाने की शक्तियों का विधिवत अनुमोदन है, कहीं पर निगेशन नहीं है। और स्पष्टता के साथ इसकी आवश्यकता क्यों थी? ताकि शासकीय आदेश को एक विधायी शक्ति भी मिल सके, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को एक लेजिस्लेटिव पावर भी मिल सके, इसलिए उस अस्पष्टता को दूर करने के लिए टू रिमूव एनी एन आयोटा ऑफ सस्पिशन ये आवश्यक था, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। अब कई बार लोग कहते हैं साहब अध्यादेश की आवश्यकता क्यों थी? वैसे तो माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस विषय को लोकसभा में बताया था, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कि 19 तारीख को अध्यादेश क्यों आया, शायद उन्हें ध्यान हो कि दिल्ली सरकार में जैसे ही चंद दिनों में ताकत मिली तो सबसे पहले किन फाइलों के बारे में, सतर्कता के साथ सतर्कता विभाग की फाइलों के बारे में कार्रवाई की गई। मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार सतर्कता सचिव ने यह रिपोर्ट किया कि रात 9 बजे मंत्री के द्वारा उनको कॉल किया गया, सुबेरे 3 बजे तक वह कार्रवाई चलती रही, 76 से अधिक फाइलें मंगाई गईं और उन्होंने उपराज्यपाल महोदय को यह आशंका भी व्यक्त की कि उसमें कई ऐसी फाइलें थीं जो कि गोपनीय थीं और उसमें और उसके अनुसार उन फाइलों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ भी संभव है। अब मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि दिल्ली में बाढ़ आई तो दिल्ली फ्लड कंट्रोल अथॉरिटी की बैठक तो 2 साल से नहीं हुई, मगर विजिलेंस की फाइलें ओवरनाइट सर्च की गई तो मेरे विचार से, और ये सर 16 और 17 मई की रात का था, तो मानी हुई बात है जब ऐसी परिस्थिति नजर आएगी तो उसके 1-2 दिन के अंदर अध्यादेश की आवश्यकता महसूस होगी। यहां मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण की बात आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा की जाती है तो ये लोग तो अपनी एक पैरेलल ब्यूरोक्रेसी भी बना चुके हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के समाचार पत्रों में आया है कि कई ऐसे लोग जो कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो सरकारी पदों पर भी विद्यमान हैं और सरकारी पदों पर रहते हुए सरकारी शक्तियों का भी उपयोग कर रहे हैं। वैसे ये लोग बहुत दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीजें फ्री दिया, कुछ 100 रुपए दिल्ली की जनता को कुछ मामलों में फ्री मिला और अपने लोगों को कई मौकों पे, कई जगहों पे, दर्जनों से ऐसे लोग हैं जिनको लाख लाख 1.5-1.5 लाख की तनख्वाहें मिली और यदि आरोपों को देखा जाए तो करोड़ों रुपए के घोटालों के आरोप हैं। एक कहावत होती है, माले मुफ्त दिले बेरहम, तो मैं कहना चाहूंगा इनकी तो स्थिति यह है कि माले मुफ्त दिले बेरहम, दिल्ली पे सितम और करोड़ों हजम। अब एक और बात जो ब्यूरोक्रेसी के नियंत्रण की बात है तो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, इस दिल्ली ही प्रदेश में एकमात्र ऐसा प्रकरण हुआ जो पूरे देश के इतिहास में बहुत विचित्र था कि दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के अंदर अपने साथ मैन हैंडलिंग का आरोप लगाया। मेरे विचार से पूरे भारत के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा कि इस प्रकार की बात, इस प्रकार का आरोप लगा हो और वह भी मुख्यमंत्री की उपस्थिति में लगा हो। यह दर्शाता है कि ब्यूरोक्रेसी को नियंत्रण करने की जो छटपटाहट है उसमें वास्तविकता में वो फितरत क्या है। और मैं एक टेक्निकल पॉइंट कहना चाहता हूं, दिल्ली का कोई स्टेट कैडर नहीं है, जैसे राज्यों का कैडर होता है तो राज्य का मुख्यमंत्री उस कैडर को नियंत्रित करता है। जो IAS और IPS अधिकारी होते हैं वो यूनियन टेरिटरी कैडर में आते हैं,
जब वो सारे राज्यों में, सारी केंद्र शासित राज्यों में उनका स्थानांतरण हो सकता है, तो मैं आपके माध्यम से विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि यदि दिल्ली के एक अधिकारी का ट्रांसफर गोवा होना है और दिल्ली के सीएम की उस पर एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी तो यह कैसे संभव हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस विषय के ऊपर केंद्र सरकार की शक्तियां परिभाषित हो। अब एक दूसरी बात भी है, दिल्ली में स्टेट कैडर भी नहीं है, यानी जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और राज्य के कैडर होते हैं, तो यहां भी दानिक्स कैडर है, यानी दानिक्स कैडर में भी 3-4 यूनियन टेरिटरी आती हैं, दमन दीव और अन्य। अब दानिक्स कैडर के एक अधिकारी की जरूरत यदि अंडमान में या दमन दीव में भी होगी और दिल्ली का मुख्यमंत्री यह तय करेगा, तो क्या यह संवैधानिक दृष्टि से उचित है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय गृहमंत्री जी ने जो यह विषय रखा है वो पूरी तरीके से उचित है। अब दुरुपयोग की बात में मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इनकी वास्तविक मंशा क्या थी। दिल्ली में एक जनरल फाइनेंशियल रूल 2019 है जो ये कहता है कि 10 करोड़ रुपए से अधिक का अगर किसी भी प्रकार का व्यय होगा तो वह मंत्री की शक्ति से बाहर होगा और वह एलजी के पास जाएगा। महोदय, इनके मुख्यमंत्री जी का जो मकान या वजीर आला का अजीमुशान महल बनाने के लिए जो बिल बने साहब, वो पूरे उसके एक साथ नहीं बने, 10 करोड़ से कम के 8.5, 7.5, 9 करोड़ रुपए के डिफरेंट बिल बने, और एक मद ऐसा है जिसमें कि मुख्यमंत्री कार्यालय के कर्मचारियों के लिए, महोदय जानते कितने का बिल बना? 9.99 करोड़, यानी 0.01 से कैसे बचा जा सकता है कि टेंडर न करना पड़े, मन मुताबिक खर्चे कर लिए जाएं। यह दर्शाता है कि नियमों के प्रति और ब्यूरोक्रेटिक नियमों के प्रति इनके मन में क्या आस्था है। और इतना ही नहीं, दिल्ली मेट्रो के लिए तो वृक्ष काटने की परमिशन वर्षों तक नहीं मिलती थी, मगर मुख्यमंत्री आवास के लिए वृक्ष काटने की परमिशन उनको मिल जाती थी। अब इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक नैतिकता सैद्धांतिकता का सवाल उठाया जाता है, तो मैं कोट करना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने, जिनका वो आलीशान शीश महल बना हुआ है, उन्होंने 27 अक्टूबर 2013 को शीला दीक्षित जी के विषय में लिखा था ट्वीट, और उनको मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के घर में 10 AC लगे हैं, मैंने तो सुना है कि बाथरूम में भी AC लगे हैं, कौन भरता है इस AC का बिल? और आगे वो कहते हैं, मेरा तो कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तो कोई मुख्यमंत्री ऐसे आलीशान घर में कैसे रह सकता है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए केजरीवाल जी का कलेजा कापा हो या ना कापा हो, रूह कापी हो ना कापी हो, रूह है क्या है, किसकी रूह है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि शीला दीक्षित जी जहां भी होंगे उनकी रूह को बहुत तकलीफ हो रही होगी कि जब उनके ऊपर ऐसी बातें करने वालों के साथ वो सारे लोग आज आकर खड़े हुए होंगे। वैसे महोदय, उनके घर में 10 AC थे, यहां तो 15 टॉयलेट भी हैं। और इतना ही नहीं, एक एक करोड़ रुपए के पर्दे भी लगे हुए हैं, और 1 करोड़ रुपए के पर्दे का एस्टिमेट है। और इतना ही नहीं, अब सुनिए, उनके सामने एक दूसरी समस्या हो गई है कि अभी तक जो बातें चल रही थी, अब उनके सामने यह समस्या है कि उन चीजों को कैसे छुपाएं। देखिए, मैं इनके लिए कहना चाहूंगा कि अब उनकी फितरत जग जाहिर हो चुकी है, तो आज आम आदमी पार्टी की स्थिति यह है कि अब जो चेहरे से जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। अब इस घर को सजाने का तसव्वुर हुआ बाद की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। और यहां पर इसके बाद मैं कटाक्ष के बाद एक बात करुणा के साथ कहना चाहता हूं कि अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली हुई वो पार्टी जो एक कमरे के मकान में रहते थे और उससे निकली हुई पार्टी आज सैकड़ों करोड़ के इस आलीशान मकान में रहती हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता और जिन जिन लोगों ने उस आंदोलन का समर्थन किया उनके ऊपर भी एक आघात है। और साथ ही साथ ये एक बात का और भी संकेत देता है, फूड फॉर थॉट है देश के लोगों के लिए, कि एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स कई बार बड़े विचित्र परिणाम भी देती है। अब किसी नए नवेले प्रयोग को आजमाने का वक्त नहीं है, बल्कि आजमाए हुए मोदी जी के नेतृत्व को चमकाने का वक्त है। और बहुत से लोग ये कहते हैं, संवैधानिक नैतिकता का प्रश्न उठाते हैं कि अध्यादेश क्यों लाया गया। अध्यादेश के लाने का तात्कालिक कारण मैंने बता दिया, और वैसे मैं अपने विपक्ष के लोगों के सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं,
कि इन लोगों ने कितनी बार अध्यादेश लाए हैं। नेहरू जी के सरकार में 70 बार, इंदिरा जी के जमाने में 77 बार, राजीव जी के समय में 35 बार, नरसिम्हा राव जी के समय में 77 बार, मनमोहन सिंह जी के समय में 61 बार, और जो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बनी थी भाजपा विरोध में उसमें 1.5 साल में 77 बार। तो मुझे लगता है अध्यादेश का विषय उठाने से पहले इस अंक गणित को भी देख लेना चाहिए। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो संविधान की दुहाई देते हैं उनके लिए, ये तो वो लोग हैं सभापति महोदय जिनकी संविधान में क्या आस्था है। इन्होंने संसद के द्वारा पारित सीए कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया, ये संविधान का सम्मान है। और वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, नागरिकता का विषय तो पूर्ण राज्य का भी विषय नहीं हो सकता, और तो उसके बावजूद दिल्ली सरकार ने पारित कर दिया। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जिस प्रकार के कार्य करते हैं उनका संविधान में कोई आस्था नहीं है। और अभिषेक मनु सिंघवी जी अभी कह रहे थे इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं आफ्टर दी 72nd एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देयर आर 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें एक म्युनिसिपल और जिला पंचायत, एक स्टेट और एक सेंटर। तो मान्यवर ये तो राजीव गांधी जी लाए थे। तो आपके मन में ना ऊपर वाली इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए सम्मान है ना नीचे वाली, क्योंकि चंद महीने पहले तक तो ये एमसीडी से भी लड़ते थे और दिल्ली से भी लड़ते थे। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात करें तो मेरे विचार से तीनों गवर्नमेंट की बात होनी चाहिए, और केंद्र सरकार के संबंध में केंद्र से अधिक संवैधानिक शक्ति इलेक्टेड गवर्नमेंट में इस विषय के ऊपर किसी और की नहीं हो सकती। और मैं एक और बात वेदना के साथ कहना चाहूंगा, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड पर भी संवैधानिकता की बात करते हैं, जिन संविधान लागू हुआ उसकी पूर्व संध्या पर प्रदर्शन किया था। महोदय मैं बताना चाहता हूं कि जिस समय इमरजेंसी लगी थी तब भी हमने कभी 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन राजनीति करने का प्रयास नहीं किया। तो वो लोग जब संवैधानिकता की दुहाई देते हैं तो बहुत आश्चर्य लगता है। और जब बार बार यह स्पष्ट किया जा चुका है कि फुल स्टेट नहीं है महोदय, मगर ये फुल स्टेट से भी संतुष्ट होने वाले नहीं है, इन्हें तो सुपर स्टेट चाहिए। और फुल स्टेट से सुपर स्टेट की दौड़ में मुझे डर इस बात का है कि मेंटल स्टेट में भी ना पहुंच जाए कहीं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हो सकती है। और यह बात इसलिए कह सकते हैं कि 49 दिनों की वो सरकार, जब कांग्रेस पार्टी ने इनकी पालकी ढोकर सत्ता की दहलीज पहली बार पार कराई थी, उसके द्वारा अगर आप पारित इनका लोकपाल विधेयक देख लें तो उसमें संसद और सुप्रीम कोर्ट और जाने क्या क्या सारी चीजों को एक में मिला लिया गया था। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये तो वो पार्टी देश का संविधान छोड़िए अपनी पार्टी के संविधान में आस्था नहीं रखती। जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो उसके संविधान में व्यवस्था थी कि उनका अध्यक्ष या संयोजक 3 वर्ष के लिए होगा और अधिकतम 2 बार होगा, मगर जो मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार 3 साल पहले उन्होंने वो संविधान में चेंज कर दिया, यानी अब जीवन पर्यंत या अपनी इच्छा के प्रसाद पर्यंत केजरीवाल जी इस विषय के ऊपर रह सकते हैं। तो मैंने इसलिए कहा ना अपने संविधान के बारे में बात करिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी कार्यकारिणी में ऐसे भी प्रस्ताव पारित किए हैं संविधान के संदर्भ में कि साहब इनके यहां परिवार के भी कितने लोग काम कर सकते हैं, जो मेरे विचार से बड़ी बड़ी परिवार वाली पार्टियों ने भी कभी अपने पार्टी के प्रस्तावों में इन प्रस्तावों को नहीं पारित किया होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बहुत आश्चर्य लगता था कि जब ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन के स्वरूप से आगे बढ़े थे, तब एक ही पंक्ति में बता देना चाहता हूं, क्योंकि जब आप इसकी बात करते तो क्या क्या नहीं था, कहां से बात शुरू हुई थी, हम राजनीति में नहीं आएंगे, फिर कसम खाते कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे, फिर उसके बाद बंगला नहीं लेंगे, फिर शपथ खाते हैं गाड़ी नहीं लेंगे, फिर शपथ खाते हैं सुरक्षा नहीं लेंगे, और आज स्थिति यह है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जितनी बातें ये कहते थे वो सारी चीजें आवश्यक है, मगर ये दर्शाता है, क्योंकि मैं किसी की सुरक्षा के प्रति खिलवाड़ करने की बात नहीं करता, पंजाब जैसा राज्य संवेदनशील है, वहां के मुख्यमंत्री के पास सुरक्षा होनी चाहिए, परंतु मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये इस बात में जो कहना चाहते हैं कि इन्होंने कितना बदलाव किया है मान्यवर, इसलिए कभी कभी इनके 10 वर्ष के अंदर चरित्र में इतना बदलाव, ये कहते सबसे जल्दी सत्ता में आए, महोदय मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ हम 1951 बने, हमने 72 साल में कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया, इन्होंने 72 दिन में समझौता किया तब ये सत्ता में आए। और इसलिए आज दिल्ली की जनता अपने को ठगा हुआ महसूस करती है, और शायद दिल्ली के लोग ये कह रहे होंगे कि मैं समझता था वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, जिनको पत्थर से हमने बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। और
मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं संक्षेप में। मेरे विचार से इनको अध्यादेश पढ़ना चाहिए, संविधान पढ़ना चाहिए और दिल्ली का अधिनियम पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपने को कहते हैं सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री जो अपने को सबसे हाई क्वालिफिकेशन का नाज रखते हैं, दो तीन उदाहरण उनके ही बता देना चाहता हूं। जिस समय कोविड की वेव चरम के ऊपर थी, तब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कोविड वैक्सीन का फार्मूला सारी कंपनियों को क्यों नहीं दे दिया जाता। मान्यवर, कोविड वैक्सीन तो छोड़िए, पैरासिटामोल जैसी जो दवा भी अमेरिका ने उस समय हमसे मंगाई थी। अब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ये कह सकता है कि वो चूडन की तरह फार्मूला सबको दे दिया जाए? तो कभी कहते हैं कि यूट्यूब के ऊपर फिल्म क्यों नहीं लाद दी जाती है? अरे भाई, वो सरकार का अधिकार का क्षेत्र नहीं है। और फिर इतना ही नहीं, सिंगापुर में इनको बुलाया, इन्विटेशन आता मेयर्स कॉन्फ्रेंस का, तो मुख्यमंत्री होते हुए जाना चाहते हैं। तो मेरे विचार से कम इनको थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए। और एक पढ़ने लिखने पे एक तथ्य मैं जरूर बताना चाहूंगा। जब न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में इनकी तारीफ निकली थी, तो इनके मुंह से निकल गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा अखबार और उसमें इतनी तारीफ निकलवाना आसान नहीं है। वैसे निकलवाना शब्द निकल गया था। मगर मैं पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को यह भी बताना चाहता हूं महोदय कि न्यूयॉर्क टाइम दुनिया का सबसे बड़ा अखबार नहीं है, वो है यमुनी शेम्बुन जापान का। अमेरिका का भी सबसे बड़ा अखबार वो नहीं है, वो यूएसए टुडे। और इतना ये समझिए, इतना ही नहीं, भारत का टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर और वो भी उनसे अधिक हैं। तो मैं सिर्फ ये बताता हूं, अरे भाई, जिस अखबार का नाम लेते हैं, कम से कम उनको तो पढ़ लेना चाहिए था। मैं आपको अधिक समय न लेते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं महोदय कि इनको ना पढ़ाई से मतलब है, इन्हें ना पढ़ाई से मतलब है, न लिखाई से मतलब है, इन्हें तो बस कमाई से मतलब है, और वो भी ऊपर वाली कमाई से। और अंत में मैं कहना चाहता हूं सर, अंत में एक लाइन और कहना चाहता हूं कि आज सब लोग मिले, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिले, भारत की सबसे पुरानी पार्टी, पुरानी धुरानी पार्टी, नई पार्टी, नई नवेली पार्टी, अजब अलवेली पार्टी, सब मिलकर एक हो गए। मगर प्राप्त क्या किया? दोनों ने सिद्धांतों से समझौता किया, और कांग्रेस ने भी इतना सयाना दांव चला कि इन्होंने अगर उनका हाथ पकड़ के दिल्ली अध्यादेश पर समर्थन लिया हो तो अविश्वास प्रस्ताव ले आए, लीड उनको मिल गई। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं अंत में कि इन लोगों को आखिर में क्या प्राप्त हुआ, ये पंक्ति कहकर समाप्त करता हूं कि इनको विधेयक भी नहीं मिला और सम्मान भी नहीं मिला, यानी इज्जत भी गई, बात भी नहीं मिली। तो एक पंक्ति कहता हूं, न तुम ही मिले, आप लोगों के लिए लागू है, न तुम ही मिले, न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, दीद मतलब साइट, न तुम ही मिले, न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, तुम ही कहो ये मुहर्रम हुई कि ईद हुई। सुखेंदु शेखर रे, श्री सुखेंदु शेखर। त्रिवेदी ने बड़े जोश के साथ और बहुत शेर शायरी के साथ उन्होंने बात की, त्रिवेदी ने शेर शायरी के साथ बहुत लंबी तकरीर की, अगर उसको उत्तर हमारे पास चतुर्वेदी है, अगर आप त्रिवेदी है तो हमारे पास चतुर्वेदी है।